शब्दों में अत्यधिक शक्ति होती है। शब्द एक विशेष ऊर्जा का ही स्वरूप है और आप जानते ही हैं ऊर्जा से सब कुछ बदला जा सकता है। जब आप संवाद करते हैं तो आपके शब्द न केवल दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं बल्कि आपके आंतरिक शक्ति को एक गहरे और गहरे स्तर पर भी बदल सकते हैं। इससे आप अपने दिमाग को चेतन और अवचेतन लेवल पर प्रभावित कर सकते हैं। अवचेतन दिमाग बहुत ही भोला होता है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। अवचेतन दिमाग प्रत्येक वाक्य को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेता है बिना अच्छा बुरा सोचे कि इसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर और हमारे जीवन पर कैसा पड़ेगा। अफर्मेशन एक शक्तिशाली वाक्यांश है जिसका उद्देश्य आपके चेतन और अवचेतन मन को निर्देशित करना है। यह पहले से उपस्थित नकारात्मक और बीमार सोच के पैटर्न को चुनौती देते हैं। बार बार दृढ़ विश्वास के साथ दोहराए जाने पर वह आपके विचारों, भावनाओं और विश्वास को बदल सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस वह होती है जिनकी वजह से हमारे अंदर और जीवन में पॉजिटिव बदलाव आता है। इनको रिपीट करने से हमारे अंदर सकारात्मक भाव आती है और किसी भी परिस्थिति को और भी अच्छे से संभालने की हिम्मत आती है। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपकी अपने बारे में क्या अवधारणाएं हैं, अर्थात आप अपने बारे में जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसी से तय होती है कि आपकी जिंदगी कैसी होगी, क्योंकि मनुष्य का जीवन अपने विचारों का ही प्रतिबिंब होता है। आपने सुना ही होगा कि आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। अगर आप खुद के बारे में अच्छा सोचें और प्रतिदिन सुबह खुद से पॉजिटिव एफर्मेशंस कहने की आदत डालें तो आपकी जिंदगी में धीरे धीरे सकारात्मक बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। मैं पूर्णतः स्वस्थ, सफल, सुखी, समृद्ध और सुरक्षित व्यक्ति हूँ। मेरे मन, मस्तिष्क, मेरे शरीर और मेरे विचारों पर मेरा पूरा नियंत्रण है। मेरे मन और मस्तिष्क में हमेशा अच्छे, पवित्र और सकारात्मक विचार ही आते हैं। मेरी भावनाओं, इच्छाओं और संवेदनाओं पर मेरा पूरा नियंत्रण है। मैं एक सफल व्यक्ति हूँ। मुझे प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। मैं एक बेहतरीन इंसान हूँ और मेरा भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है। बीते हुए कल में मेरे साथ जो कुछ भी गलत हुआ उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरा ध्यान गुजरे हुए कल पर नहीं बल्कि आने वाले पल पर है। भविष्य में मेरे साथ जो कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला है उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अतीत में जिसने भी मेरे साथ कुछ गलत किया उसे मैं पूरे दिल से माफ़ करता हूँ। मेरे मन में किसी के लिए किसी भी प्रकार के कोई नकारात्मक विचार या भावनाएं नहीं है। मुझे अपनी ज़िंदगी से, अपनी किस्मत से या किसी और से कोई शिकायत नहीं है। मेरा मन पूरी तरह शांति और सुकून से भरा हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ। शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत ही पावरफुल इंसान हूँ। खुद से बहुत प्यार है और मैं सबके साथ भी बहुत प्यार से पेश आता हूँ। मैं एक ईमानदार और मेहनती इंसान हूँ। मेरा जीवन अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है और मुझे इन संभावनाओं को साकार करना है। आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है और मैं पूरे दिल से आज के इस दिन का स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। जरूर आज मेरे साथ कुछ अच्छा होगा। आज मैं कुछ नया सीखूंगा। आज मैं कुछ नया करूंगा जो मैंने आज से पहले कभी नहीं किया। मैं एक कामयाब और शानदार जिंदगी डिजर्व करता हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ उसमें अपना सबसे बेहतरीन प्रयास करता हूँ। मैं खुद की बहुत इज्जत करता हूँ और दूसरों लोगों के साथ भी इज्जत से पेश आता हूँ। मैं अपने परिवार, समाज और अपने कर्तव्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हूँ। मेरे अंदर आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ है। मैं अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुश्किलों और चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं एक बुद्धिमान और अनुभवी इंसान हूँ और मुझे अपनी काबिलियत पर पूरा भरोसा है। मैं अपने जीवन की किसी भी परिस्थिति से निपटने में सक्षम हूँ। मैं केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए विशेष महत्व रखता हूँ। मेरा जन्म एक खास मकसद को अंजाम देने के लिए हुआ है और मुझे खुद पर पूरा विश्वास है कि मैं इस महान कार्य को पूरा अवश्य करूँगा, क्योंकि मैं एक बार जो सोच लेता हूँ उसे पूरा करने से मुझे कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। मैं प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन निकालने में विश्वास रखता हूँ। मेरा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई है। मैं नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता हूँ। जो मैं सोच सकता हूँ वो मैं कर भी सकता हूँ। मैं उस ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये खूबसूरत जिंदगी दी।
मैं धन्यवाद देता हूँ इस प्रकृति को जिसकी सारी शक्तियाँ मेरी जिंदगी को बेहतर बनाने में प्रयासरत है। मैं धन्यवाद देता हूँ अपनी जिंदगी के मुश्किलों और परेशानियों को जिसने मुझे एक मजबूत और बेहतर इंसान बनाया है। मैं एक बेहतर इंसान हूँ। मेरा फ्यूचर बहुत ही उज्ज्वल है। मेरे अंदर हर कार्य करने की क्षमता है। मुझे सफल होने को जो कुछ भी चाहिए वो मेरे अंदर ही है। धन्यवाद भगवान, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे संतुष्ट हूँ। मैं अंदर से खुश हूँ और खुलकर हंसता हूँ। मैं जब कमिटमेंट करता हूँ तो पूरा भी करता हूँ। मैं हमेशा बड़ों का आदर करता हूँ। मैं अपने जीवन में खुश हूँ। जो भी मेरे पास है हर रोज मुझे अच्छे और पॉजिटिव सपने आते हैं। मैं हमेशा बड़ा सोचता हूँ और बड़े परिणामों की उम्मीद करता हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। मैं कोई भी सिचुएशन को हार नहीं मानता। मुझे अपनी लाइफ में बहुत आगे जाना है। मैं अभी से रोज कुछ नया सीख रहा हूँ। मेरा जीवन हर एक दिन बेहतर हो रहा है। मैं हर क्षेत्र में कामयाब हो रहा हूँ। मैं पूरे दिल से आज के दिन का स्वागत करता हूँ। मुझे आज जो कुछ भी करना है उसके लिए मैंने अच्छे से सोच रखा है। मैं अपने जीवन का स्वामी हूँ। मैं हर काम ईमानदारी से करता हूँ। दुनिया की हर चीज मेरी सफलता के लिए काम कर रही है। मैं जो चाहूँ वह मैं कर सकता हूँ। जो भी हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है। मेरे पास खूब सारी धन दौलत है। मुझे आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। मैं हमेशा कुछ नया सीखता रहता हूँ। मैं हमेशा शांत रहने वाली आत्मा हूँ। हर सुबह मेरे लिए नए अवसर लेके आती है। धन्यवाद भगवान मुझे एक और खूबसूरत दिन देने के लिए।